गाइस आई होप यू ऑल आर फाइन तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर ट्वेल्व विच इज डिमॉन्सट्रेटिव ज्योमेट्री उसके इम्पोर्टेंट ह्यूरम्स कौन से हैं जिसकी आप तैयारी करें क्योंकि चैप्टर नंबर ट्वेल्व में बहुत ही सारे थ्यूरम्स हैं और स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है कि इतने सारे थ्यूरम्स हम कैसे करेंगे तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है तो एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर ट्वेल्व में आपको पता है कि फाइव के ऑनवर्ड्स जितने भी थ्यूरम्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग में जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी एंड देन सेक्शन बी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी तो लॉन्ग के लिए सबसे पहले थूरम नंबर सेवन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्यूरम नंबर एट थ्यूरम नंबर टेन ये वाला आप अपने पास मार्क करते जाएँ थ्यूरम नंबर टेन थ्यूरम नंबर इलेवन ये पैरा वाला थ्यूरम नंबर ट्वेल्व ये पांच थ्यूरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्थ के डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के तो इन पांचों की तैयारी तो आपने बहुत ही अच्छी करनी है और इनमें से एक भी थ्यूरम नहीं छोड़ना है नाउ मैंने लॉन्ग में आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्यूरम्स हैं जिनकी आप तैयारी करें चैप्टर नंबर ट्वेल्व में से नाउ अब शॉर्ट के लिए थ्यूरम नंबर सिक्स इसमें कह रहे हैं इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट द एंगल ओपोजिट टू दैम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट इसमें ये प्रूव करना है कि जो दोनों साइड्स हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट है एक तो थ्यूरम नंबर सिक्स प्लस थ्यूरम नंबर नाइन ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है बस इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल्स ओपोजिट होते हैं साइड्स के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इस थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना है कि जो साइड्स ओपोजिट होती हैं एंगल के वो कॉन्ग्रुएंट है होती हैं है। तो थ्योरम नंबर सिक्स थ्योरम नंबर नाइन ये इंपॉर्टेंट है प्लस थ्योरम नंबर सिक्सटीन एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट थ्योरम नंबर सिक्सटीन एंड थ्योरम नंबर एटीन पेज नंबर थ्री ट्वेंटी सेवन पे तो ये चार थ्यूरम्स हैं यहाँ पर से इम्पोर्टेंट सेक्शन बी के लिए तो इन चारों की तैयारी आपने बहुत अच्छी करनी है नौ थ्यूरम्स ऑन इनइक्वेलिटीज इसमें से सिर्फ थ्यूरम नंबर वन शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है प्लस पेज नंबर थ्री फोर्टी थ्री पर यह पाइथागोरास थ्योरम, ये थ्योरम नंबर सेवन और इसका पार्ट ए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाइथागोरास थ्योरम को, को प्रूव करना है हमें तो थ्योरम नंबर सेवन और इसका ये पार्ट ए कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर सेवन ये दोनों भी लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो बस चैप्टर नंबर ट्वेल्व डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में यही सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपकी थ्यूरम्स की तैयारी पूरी हो जाएगी तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई है मैं चैप्टर नंबर थर्टीन सर्कल पर भी वीडियो बनाऊँगी उसमें से भी मैं आपको बताऊँगी कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू